हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो टॉप यूट्यूबर्स के अर्निंग के बारे में। एक टॉप यूट्यूबर जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स स्पेशली वो सौरभ जोशी के बारे में बात करेंगे और उनके चैनल के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग एक चैनल के बारे में बात किए थे, बीबी के वाइंस, जो कि भुवन बाम का चैनल है। उनका अर्निंग कितना है और उनका वीडियो किस तरह का व्यूअर्स, कितना व्यूअर्स होता है, ये सब चीज़ बात किए थे कल। तो ये वीडियो बनाने का यही एम है कि बहुत सारा आइडिया आप लोगों को आज, मतलब कुछ लोगों को आ जाए, जो कि मेरे फ्रेंड्स और कोई लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे वीडियो बनाएं या हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कैसे, कितना अर्निंग्स होता है, तो क्या इसको एक प्रोफेशन के तरफ ले सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन का ये वीडियोस में कुछ कुछ सॉल्यूशंस में बताऊंगा। तो किस तरफ का वीडियो बनाना चाहिए या क्या, कौन सा कंटेंट आजकल ज़्यादा चल रहा है या लोग ज़्यादा व्यू हो रहा है, ऐसे आप देखेंगे तो जो भी फील्ड में आपका एक्सपर्टीज है या आप कॉन्फिडेंट है कि ये फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ या मेरा कुछ ये फील्ड में नॉलेज है, तो वो फील्ड में आपका व्यूअर्स अच्छा हो जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए फैशन हो, आर्ट्स हो, पेंटिंग हो, आप कुछ भी चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा वाह टॉप, मतलब आपका नॉलेज है, तो आप लोगों को शेयर करेंगे। फैशन डिजाइनर हो, कुछ भी आपका जिसमें काफ़ी अच्छा नॉलेज है, उसमें आपका अच्छा व्यू आ सकता है। और कई सारे चैनल के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में भी बात करेंगे कि वो लोग स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ वीडियो बनाते हैं और कितना व्यू जाता है और कितना अप्रोक्स इनकम उन लोगों का हो सकता है। जैसे मैं एक एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, बोला था 100 व्यूज से 3 से 4 रुपया यूट्यूब के तरफ से जो एडवर्टाइज से मिलता है, मान लीजिए 1 लाख व्यू से 3000 से 4000 रुपया आपको मिलेगा। तो वीडियो का लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, 2-2 एडवर्टाइज आता है, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो उस हिसाब से आपका वीडियो का जो मतलब क्लिक रेट कितना है, लोग कितना टाइम वॉच टाइम कितना, कितना टाइम तक आपका वीडियो व्यू कर रहे हैं, ये सब चीज़ होता है। पर ऑन एन एवरेज आप मानेंगे तो 1 लाख व्यू से 3 से 4 हज़ार आपका आसपास पैसा बनेगा। तो इस हिसाब से आप मानेंगे तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख व्यू होता है, 10 लाख व्यू से आपको 30 से 40 हज़ार रुपया बनेगा। इसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड में बोल रहा हूँ। तो उस हिसाब से हम सौरभ जोशी ब्लॉग्स जो है उनके अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। तो उनका हर वीडियो जैसे 5 मिलियन 6 मिलियन के एवरेज रहते हैं, एवरेज 5 मिलियन आप मान लेंगे तो एक वीडियो से आपको लगभग 1.5 से 1.8 लाख तक, मतलब 1.5 से 1.8 लाख तक या 2 लाख तक उनको एक एक वीडियो से उनको मिलता है। तो हर दिन वो एक सौरभ जोशी ब्लॉग्स जो उनका चैनल है, हर दिन वो एक ब्लॉग डालते हैं और आप मान लीजिए 30 दिन में 30 वीडियो डाल रहे हैं, तो हर वीडियो में आपको 1.5 लाख करके आ रहा है, 2 लाख करके आ रहा है, तो मीन 60-70 लाख रुपया उनको बन रहा है एक महीना का। तो YouTube का ये सिस्टम है, जो आप पहले एक महीना पहले और भी जो वीडियो आपका चैनल में है वो सब पुराने वीडियोस में भी जो भी व्यू होगा वो सारे का पैसा भी मिलेगा। तो जो न्यू व्यूज होगा तो वो पुराने वीडियोस के मान लीजिए ऐड कर लीजिए, न्यू ये मंथ का ऐड कर लीजिए, सब मिला के उनका जो डिफरेंट वेबसाइट भी मैं चेक किया, अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज जो लोग अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं वो 85 लाख से 1 करोड़ उनका यूट्यूब से इनकम है। और इंस्टाग्राम से फेसबुक पेज भी उनका है, वो सब से अलग सा इनकम है। और भी बहुत टाइप का इनकम होता है, जैसे वो रिसेंटली गाना बनाए थे वो सब का इनकम अलग सा रहता है। उसके बाद जो कोई ब्रांड का प्रमोशन आप कर दिए वीडियो के अंदर या कुछ एडवर्टाइज कर दिए, तो वो सब पर्सनल प्रॉफिट मतलब ब्रांड के हिसाब से एड से भी आपका सेपरेट पैसा रहता है, स्पॉन्सर पैसा जो जिसको बोलते हैं, उसके अलग से आपको इनकम रहता है। तो आप मान लीजिए 1 करोड़ मोटा मोटी यूट्यूब से और बाकी
उनका जो दूसरा वेबसाइट और दूसरा जो स्पॉन्सर और बाकी से भी बहुत सारा अर्निंग्स है। तो ओनली हम लोग फोकस करते हैं यूट्यूब अर्निंग के बारे में, क्योंकि हम बहुत सारा जो मेरा जो फ्रेंड्स है या जो कुछ कॉन्टैक्ट्स में कुछ लोग हैं, तो वो लोग पूछते हैं कि क्या एक सफिशियंट इनकम हो सकता है, क्या ये जॉब का एक रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या। तो ऐसे आप सोचेंगे तो मतलब आपको इस टाइप का आपका कॉन्फिडेंस है कि इतना व्यू मेरा वीडियोज़ में आ सकता है, या आपको किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो ज़रूर आपको एक अच्छा खासा इनकम मतलब 1 लाख प्लस इनकम कंफर्टेबली आने आ सकता है। लेकिन जो बहुत सारे मेरा फ्रेंड्स जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता है, मतलब व्यूज़ नहीं आ पाता है या अर्निंग्स नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आप कोई भी एक प्रोफेशन में हो तो तुरंत वो प्रोफेशन, या स्टूडेंट हो, वो सब कुछ छोड़ के, लास्ट वीडियो में मैं बोला था ये यूट्यूब का वीडियोज़ में फुल टाइम मत करो, आप इसको एक पार्ट टाइम के हिसाब से कर सकते हो, और जब देखोगे कि इसमें अच्छा खासा या कोई भी चीज़ अच्छे से अर्निंग स्टार्ट हो गया, तब तो आप अपना स्विच अप मतलब रिस्क ले सकते हो या इस फील्ड में आप काम कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है आपको वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में, वो उत्तराखंड से है। अभी उनका जो उम्र है, जो एज है, लगभग 22 से 23 ईयर्स ऐसे कुछ हुआ है। स्कूलिंग कंप्लीट होके ग्रेजुएट भी हो गए हैं, लेकिन कौन सा कॉलेज में डिटेल मुझे नहीं मिला। तो वो जो उनका वीडियो आप लोग देखोगे, तो 2019 में वो अपना ब्लॉग चैनल शुरू किए थे ओनली फेब्रुवरी में। तो आप देखेंगे तो 2 साल में काफ़ी अच्छा उनका चैनल ग्रोथ हुआ है। जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 मिलियन उनका सब्सक्राइबर है, 9.3। तो 9.3 मीन्स 93 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो 1 करोड़ सब्सक्राइबर से कुछ मतलब 7 लाख जैसा बाकी है। तो फर्स्ट यूट्यूबर जैसे ब्लॉग चैनल में बनेंगे, और बाकी चैनल जैसे काफ़ी लोग 1 करोड़ 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, पर ब्लॉग चैनल में आई थिंक ये फर्स्ट यूट्यूबर बनेंगे जो जिसका सब्सक्राइबर 1 करोड़ हो जाएगा, मतलब 100 लाख्स, या 100 लाख्स और 1 करोड़ हो जाएगा। तो ये 2 साल में ही उनका इतना सारा सब्सक्राइबर बना है। ये सौरभ जोशी का सेकंड चैनल है, सौरभ जोशी का एक फर्स्ट चैनल था सौरभ जोशी आर्ट्स करके, जो कि वो 2015 में बनाए थे। उसमें वो स्केचिंग डिफरेंट आर्ट्स करते थे, जिसमें आर्ट, और वो चैनल में भी काफ़ी अच्छा व्यू है, 2 मिलियन जैसा सब्सक्राइबर है शायद उसमें, उसमें भी काफ़ी अच्छा है, जैसे 1 मिलियन और 5 लाख 6 लाख ऐसे व्यूज है पर वीडियो। पर वो भी चैनल के साथ साथ वो सौरभ जैसे ब्लॉग्स चैनल स्टार्ट किए, और सौरभ जैसे ब्लॉग्स चैनल उनका इतना अच्छा चला कि वो अभी लास्ट 4 महीने से वो सौरभ जैसे आर्ट्स जो चैनल है उसमें वो वीडियो और नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक ही चैनल में इतने आज काफ़ी अच्छा व्यू है। तो शायद इस चैनल पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनका कुछ दो भाई साहिल पीयूष इन लोगों को लेके वो घूमते हैं, उनका जो उत्तराखंड जनरली आप लोगों को पता होगा पहाड़ी एरिया होता है, वो सब लोकल एरिया में व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब वो आस पास घूमते हैं और उसी सबको रिकॉर्ड करके जो अपने फ्रेंड्स के बीच में मस्ती है वो सबको छोड़ते हैं। तो ये चैनल जब अच्छा चला, वो चैनल पे अभी वो वीडियो नहीं डालते हैं। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है, वो ब्लॉग्स क्या होता है, ब्लॉग्स इंडिया में नया कॉन्सेप्ट है, 2-4 साल 5 साल में ही इसका पॉपुलैरिटी है, कि आप जो दिन भर कर रहे हो, आप जब दिन भर कर रहे हो उसको आप छोटा छोटा कुछ कुछ चीज़ रिकॉर्ड करके रखोगे, और उसको एक कंबाइन करके आपका जो डेली लाइफ है वो दूसरों को दिखाओगे, उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग होगा तो लोग देखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था इतना इंडिया में, और अभी ये काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे ब्लॉग चैनल भी खोल गया है, रीजनल लैंग्वेज में भी काफ़ी ब्लॉग चैनल अच्छा चल रहा है,
कुछ कुछ टॉप जो ब्लॉग्स चैनल है। तो ये ब्लॉग्स चैनल मतलब क्या आप सोच रहे, मतलब कोई सोच सकता है कि मैं बनाऊंगा, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? देखिए ऐसे नहीं बोल सकते कि चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको पहले स्टार्ट करके आपको वीडियोस डालना होगा, आपको पेशेंटली इसके लिए काम करना होगा, और सबसे बड़ी चीज़ है आपको इसके लिए टाइम भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आप कैसे करके डाल दिए, क्योंकि आपको हॉल डे का कुछ कुछ इवेंट्स, आपको जो अच्छा अच्छा इवेंट्स को आपको रिकॉर्ड करके रखना है। दो चीज़ हो सकता है, या आप अभी फ्री है, कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते, कर रहे हैं तो ये अच्छे से कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑलरेडी बहुत सारे आपका फंडिंग है, आप ऑलरेडी पैसा जमा कर चुके हैं और आपको पैसा का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको इंटरेस्ट है वीडियो बनाने का तो आपको मज़ा आ जाएगा, आप ऐसे ही घूमोगे, वीडियो बनाओगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, आपको यूट्यूब से या दूसरा सोशल मीडिया से भी पैसा मिलेगा, एडवर्टाइज के लिए इंस्टाग्राम से भी पैसा मिलेगा, ऐड पोस्ट करने के लिए या दूसरा मतलब वीडियोज़ के लिए भी पैसा मिलेगा। तो अभी देखेंगे आप सौरभ जोशी के चैनल में, जो ब्लॉग्स चैनल में 12 आवर्स है, डेली 8 बजे वो वीडियो छोड़ते हैं। जैसे पीयूष की चप्पल खा गई, ऐसे एक टाइटल में वो एक वीडियो छोड़े हैं, अपने जो छोटे भाई पीयूष के साथ कुछ मस्ती वाला वीडियो छोड़े हैं। 12 घंटे में 34 लाख 3.4 मिलियन व्यू हुआ है, दैट मीन्स 1 लाख रुपया, करीबन 1 लाख रुपया का जैसे मोटा मोटी हिसाब होता है, 3,000 रुपया 1 लाख का होने से 30 लाख का आपको, 35 लाख का आपको बन जाएगा 1 लाख रुपया जैसा। तो ऐड से मिलता है वो, एक ऑन एन एवरेज व्यू, ऑन एन एवरेज पेमेंट है यूट्यूब से, और उसके साथ साथ बहुत सारा जो एक्स्ट्रा पेमेंट भी रहता है। तो ये पहले आपको प्लान करना है कि कौन सा आप चैनल कर सकते हो, या कौन सा चैनल पे आप मतलब आपका कॉन्फिडेंस है, या आपका घर पे कोई फ्री आदमी या कुछ कर नहीं रहा है, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो क्योंकि वो भी कुछ अर्निंग कर सके इस टाइप का प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो यूट्यूब से अच्छा कर रहे हैं उन लोगों को, वो लोग फुल टाइम भी यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं या दूसरा सोशल मीडिया के लिए भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को यूट्यूबर बोला जाता है। जैसे आप पढ़ा रहे हो तो टीचर बोलते हैं, मेडिकल मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हो पेशेंट का तो आपको डॉक्टर बोला जाता है। तो ऐसे इसको एक प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन जैसा भी लोग देखते हैं, उनको यूट्यूबर बोलते हैं, जो इस टाइप का वीडियो बनाते हैं, फुल टाइम काम करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो आज था सौरभ जोशी के बारे में, जो कि एक जस्ट 22 साल के एक लड़का है, और उनका वो ब्लॉग के लिए पूरा इंडिया में आज काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यही सोशल मीडिया से काफ़ी लोग भी फेमस बन रहे हैं। तो आप इसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।